22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है और इस प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाएगा और इसी अनुष्ठान में हजारों की संख्या में लोग साधु संत अयोध्या आकर हवन पूजन करेंगे। इन साधु संतों के लिए सरयू नदी के तट पर कई हवन कुंड बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सरयू नदी के किनारे भगवान राम के इष्ट देव भगवान शिव की भी पूजा होगी। अयोध्या में हवन पूजन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। अयोध्या में सरयू तट पर तैयार हुए 100 हवन कुंड। सरयू किनारे होगी भगवान शिव आराधना। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरी रामनगरी अपने आराध्य की भक्ति से सराबोर होगी। उसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें पवित्र सरयू नदी के किनारे एक साथ 100 हवन कुंड तैयार किए जा रहे हैं। इन हवन कुंडों में 17 जनवरी से यहां हवन पूजा शुरू हो जाएगी जिससे निकली राम नाम की गूंज पूरी अयोध्या में सुनाई देगी। रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या उत्सव के माहौल में है और यहाँ पर एक खास आयोजन हो रहा है और 100 हवन कुंडों को बनाया गया है। 1100 दंपति लगातार 9 दिन तक इस जगह पर यज्ञ करेंगे और ये लोग ये मान रहे हैं कि 22 जनवरी का जो दिन होगा उस दिन खुद स्वयं भगवान राम का अवतार होगा, श्री राम का अवतार होगा और उसके उपलक्ष में लगातार 9 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। अनूठा यह आयोजन होगा और जो पूरा जो माहौल रहेगा सरयू नदी के तट के किनारे एक आध्यात्मिक माहौल का जो माहौल है वो बनेगा और इसके अलावा लोग भगवान राम के जन्म के उत्सव को पूरे विश्व के कल्याण को लेकर ये यज्ञ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राघवेश दास जी और ये इस पूरी यज्ञ की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए इस यज्ञ का नाम क्या है और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? ये भगवान श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ है। इस यज्ञ के अधिष्ठाता, इस यज्ञ के यज्ञाधीश हमारे पूज्य स्वामी आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज हैं, जिनको लोग नेपाली बाबा जी के नाम से जानते हैं और इस यज्ञ की पूरी देख रेख उनके परम शिष्य श्री नागा जी यहाँ साथ में हैं, वो देख रहे हैं। और यज्ञ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और जब भगवान राम ने स्वयं बहुत सारे यज्ञ किए थे, भगवान राम ने 108 अश्वमेध यज्ञ किए थे और यज्ञ के द्वारा शांति आती है, समृद्धि आती है, प्राकृतिक पर्यावरण भी संतुलित होता है। वेदों में लिखा हुआ है यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात भवति संभवः। यज्ञ से मेघ आसमान में आच्छादित होते हैं, ये जो हविस होती है, जो हवन होता है उससे वायुमंडल शुद्ध होता है और उसके बाद मेघ प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं और वर्षा से धन धान्य अच्छा होता है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, उससे संसार के लोगों का भरण पालन पोषण होता है। वेदियों से मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजा तो होगी ही, साथ ही सरयू तट पर जबलपुर से आ रहे 1008 शिवलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। हर हवन कुंड पर 4 श्रद्धालु और साधु संत शिवलिंग के आगे बैठकर राम नाम का जाप करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या आए 1100 जोड़े हवन करेंगे, यानी सरयू किनारे भगवान राम और भगवान शिव की आराधना का अनूठा संगम होगा। महायज्ञ समारोह इतना भव्य होगा कि मंत्रोच्चार से पूरी अयोध्या नगरी ही गूंज उठेगी। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को यादगार बनाने की पूरी कोशिश, यहाँ पर कवायद भी चल रही है और 100 हवन कुंड बनाने के बाद उसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना के लिए भी खास आयोजन किया गया है और 1000 से ज्यादा शिवलिंगों का भी पूजन किया जाएगा। ये पूरा जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं।
हमारे साथ इस जो आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए हम तस्वीरों में देख रहे हैं बाबा जी, ये क्या है, कितने शिवलिंगों को बनाया जाएगा, एक और तो यज्ञ हो रहा होगा, अब यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पर कुंज बन रहा है, 1008 शिवलिंग की स्थापना होगी जो नर्मदेश्वर मध्य प्रदेश से नर्मदा जी के खंड से आ रहा है, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो 4 लोग के टोली बैठ करके भगवान सीताराम नाम का जाप करेंगे। सीताराम नाम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, बिना भजन के बिना हरि कीर्तन के ये सब चीज जो चीज है दुर्लभ है, तो संभव इसीलिए भगवान का भजन ही सब चीज को सुलभ करता है और सुलभ होगा। कितने शिवलिंग रहेंगे और कितने लोग वंदना करेंगे जी? 1008 शिवलिंग की स्थापना होगा और 21,000 नाम जापक आ रहे हैं, जिसको रहने के लिए खाने पीने की सारी सुविधा दी जाएगी, और इसमें एक कुंज में 4 लोग बैठ करके सीताराम करेंगे, जो 3-3 घंटा की ड्यूटी रहेगा, 4 शिफ्ट रहेगा। कितने दिन तक चलेगा ये? 9 दिन चलेगा। बेहद व्यापक स्तर पर ये आयोजन चलेगा और भगवान राम नाम का यज्ञ एक ओर चल रहा होगा तो दूसरी ओर शिव आराधना चल रही होगी। विहंगम दृश्य सरयू नदी के तट के किनारे यह पूरी की पूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। सरयू किनारे होने वाले इस महायज्ञ के आयोजकों के मुताबिक ये सब कुछ विश्व शांति और कल्याण के लिए किया जाएगा। इस आराधना को वाल्मीकि रामायण के मुताबिक किया जाएगा। यज्ञ के बारे में, सीताराम नाम जप महायज्ञ हो रहा है और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है, और ये जो आप हनकुंडे जो बता रहे थे, ये सत रज तम तीनों गुण से बना हुआ है, और ये जो जोनी है ये डायमीटर 18 इंच के डायमीटर में बना हुआ है, सब विधि विधान से बना हुआ है, और वाल्मीकि रामायण से होन होगी, जिसमें 24,000 श्लोक है। रामा ये सुहा, राम के लिए सुहा होगा, जो राम जन्मभूमि से लेकर के जुड़ा हुआ है, भगवान प्रभु श्री राम के और माता सरजू के गोद में श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 1,100 कुंड बना हुआ है, 1,100 जोड़े हवन करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये जो अगर हम देख रहे हैं, इसकी सिधाई भी पूरी, इसको भी कुछ खास वैदिक रीति को ध्यान में रख के ये सिधाई हवन कुंड को जी से वैदिक विधाक से ये सब चल रहा है, एकदम सब साइज बाई साइज इसको बनाया जाता है, ये 7x7 का इसके जगशाला का वो जो है बल्ली खड़ा है, 7x7 पर है, उसके बाद में ये